सो हे गाइस, मेरे पास है वेस्ट कैन। देखते हैं आज इसका क्या बना सकते हैं। तो पहले तो मैंने इसे क्लीन कर लिया। अब मैं इसे पेंट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ व्हाइट एक्रेलिक कलर। टेक्सचर वाला इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे स्पंज डैबर का यूज़ कर रही हूँ, एंड ये स्पंज डैबर मैंने खुद से ही बनाया है। आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप स्पंज का भी यूज़ कर सकते हो। और ऐसे ही नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको डेली आर्ट आइडियाज़ मिलते रहेंगे। इसे मुझे ट्रेडिशनल बनाना है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे रेड कलर का यूज कर रही हूँ। अब ये ड्राई हो जाने के बाद मैं इस पर ऑरेंज इफेक्ट दूंगी स्पंज डाबर की मदद से। बट कीप इन माइंड कि स्पंज डाबर पे ज्यादा कलर नहीं लेना है। नाउ इस पे मैं डिजाइन ड्रॉ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ व्हाइट एक्रेलिक कलर, एंड यहाँ पे मैंने 0 नंबर के राउंड ब्रश का यूज किया है। एंड थिन ब्रश ही यूज करना, इससे हमें डिजाइन बनाने में आसानी जाती है। वैसे भी समर आने वाले हैं तो आपके पास फ्री टाइम होगा, दैट्स व्हाई आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो नए नए प्लांटर्स बना के। सो अगर ये यूजफुल लगा तो प्लांटर जरूर ट्राई करना। नाउ मैं इसके दोनों साइड पे पर्ल स्टिक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फेविकोल। सो हमारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्लांटर बन के रेडी हो चुका है, एंड मैंने इसमें मनी प्लांट लगाया है। आप कुछ भी लगा सकते या फिर एज अ फ्लावर पॉट और इंडोर प्लांट भी यूज कर सकते हो। तो आपको आज का आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, साथ ही मुझे फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।